अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था। और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे, जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई। और एक पुलिस एंगेजमेंट थाना पहासू क्षेत्र में हुआ, जहाँ पे कि एक अब्दुल नाम का अपराधी है, उससे पुलिस एंगेजमेंट हुआ। और आत्मरक्षा जो पुलिस की कार्रवाई थी, उसमें उसके गोली लगी और अभी कुछ देर पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुकदमा हम लोग दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे सर, हैं। इसमें पुलिस कर्मी भी कुछ घायल हुए हैं सर? जो कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। इन लोग भी इलाजरत हैं। और हमारे दो इंस्पेक्टर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग की गई, उनके जो उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था, उस पर गोली लगी है। और जो पहासू क्षेत्र की घटना है, उसमें भी एक कांस्टेबल के चोट आई है। ये सभी इलाजरत हैं। हम अभी इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है, बट अंडर ऑब्जर्वेशन है। आशीष के ताऊ का कहना है कि सर, जो आशीष है उसको पुलिस ने कल पकड़ लिया था और जमानतियों के लिए भी कहा गया था कि जमानती लेकर आप कोर्ट थाने में पहुंचिए, पहुंचे। लेकिन उसके बाद में अचानक रात को उनका कहना है कि एनकाउंटर खबर मिलती है। ये इस तरीके की बात बिल्कुल भ्रामक है। और हम लोग अपनी जो कार्रवाई किए हैं, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ किए हैं। गाजीपुर की शाह होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।